अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर वाटर पोल्यूशन के बारे में है। इस टॉपिक में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि वाटर पोल्यूशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं और इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर पोल्यूशन हम वाटर के फिज़िकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में किसी अनडिज़ायरेबल चेंज को कहते हैं। मतलब कि वाटर की प्रॉपर्टी में कोई भी अनडिज़ायरेबल चेंज, अनडिज़ायरेबल चेंज हम कहते हैं कि इसका हमारे इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट हो। तो अगर वाटर की प्रॉपर्टीज़ में अनडिज़ायरेबल चेंज होगा, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हार्मफुल इफेक्ट होगा, तो उसे फिर हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन की एक और डेफिनेशन है, जिसमें है कि अगर वाटर में ऐसे सब्सटेंसेस एंटर हो जाए जो वाटर की क्वालिटी को डीग्रेड कर दे, मतलब कि वो पानी पीने के काबिल ना रहे और उससे बहुत से हेल्थ हैजर्स हो, तो उसे भी फिर हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। ओरिजिन की बेस पे हम वाटर पोल्यूशन को दो सोर्सेज में कैटेगराइज करते हैं, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज होते हैं वो किसी स्पेसिफिक साइट से होते हैं। इस स्पेसिफिक साइट का हमें पता होता है कि ये एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे पोल्यूटेंट जनरेट हो रहे हैं और एफ्लुएंट यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट सोर्सेज ईजिली आइडेंटिफिएबल होते हैं, क्योंकि पॉइंट सोर्सेज में हमें पता होता है कि ये एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से पोल्यूटेंट जनरेट हो रहे हैं और जो पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसलिए ये ईजिली आइडेंटिफिएबल होते हैं। फिर इसके बाद पॉइंट सोर्सेज के एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाते हैं एफ्लुएंट आउटलेट ऑफ अ फैक्ट्री और सीवेज आउटलेट। अब फैक्ट्री में हमें पता होता है कि एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से वाटर पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, इसलिए ये पॉइंट सोर्सेज में आते हैं। फिर इसके बाद नॉन पॉइंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जिसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं वो लार्ज एरिया से जनरेट हो रहे होते हैं। इसमें जो पोल्यूटेंट जनरेट हो रहे होते हैं उसका हमें पता नहीं होता कि कौन सी ऐसी स्पेसिफिक साइट है जहाँ से ये पोल्यूटेंट्स जो है वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, क्योंकि ये लार्ज एरिया से हो रहे होते हैं इसलिए ये इजीली आइडेंटिफिएबल भी नहीं होते, इनको आइडेंटिफाई करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता। फिर इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं सिटी स्ट्रॉम वाटर फ्लो और एग्रीकल्चर रन ऑफ। अब एग्रीकल्चर रन ऑफ में हमें पता है कि हर तरह के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर में पोल्यूशन कॉज कर रहे होते हैं। तो इसमें हमें नहीं पता होता कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक एग्रीकल्चर है जो कि पोल्यूटेंट कॉज कर रहा है, इसलिए ये नॉन पॉइंट सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है एग्रीकल्चर वेस्ट। अब एग्रीकल्चर में हमें पता है कि हम क्रॉप्स की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए एग्रीकल्चर में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। इसके अलावा क्रॉप्स को डिफरेंट डिजीज़ से और इंसेक्ट से बचाने के लिए हम क्रॉप्स में पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालते हैं। तो जब इस एग्रीकल्चर से रन ऑफ के थ्रू वेस्ट वाटर वाटर बॉडी में एंटर होगा, तो उससे फिर वाटर पोल्यूशन कॉज होगी, क्योंकि इन फर्टिलाइज़र में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स वाटर बॉडी में एंटर होंगे तो इससे एल्जी और एक्वेटिक प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज होगी, जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करेगी और उससे फिर वाटर पोल्यूशन कॉज होगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं, चाहे वह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो, इनमें वाटर को यूज़ किया जाता है। और जब इंडस्ट्रीज़ में वाटर को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जा रहा होता है, तो इसमें डिफरेंट कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें डिफरेंट केमिकल्स, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस वेस्ट वाटर को डायरेक्टली इंडस्ट्री से वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो ये वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि इस वेस्ट वाटर में डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं और वाटर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज में हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, जैसे कि किचन या टॉयलेट में से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक सीवेज। तो जब किचन और टॉयलेट में से वेस्ट वाटर डायरेक्टली वाटर बॉडी में, जैसे कि रिवर, लेक्स या पॉन्ड में रिलीज हो, तो उससे फिर वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे रिवर्स हैं जो कि पोल्यूटेड है, और ये इसी वजह से है जब हम वेस्ट वाटर को डायरेक्टली बगैर किसी ट्रीटमेंट के वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं, तो उससे फिर जो हमारे रिवर्स हैं वो पोल्यूटेड हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस। रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस भी वाटर पोल्यूशन कॉज करने की मेन रीज़न होती है। अब जो रेडिएक्टिव मटेरियल होते हैं उनकी माइनिंग की जा रही होती है, उनकी प्रोसेसिंग की जा रही होती है, इसके अलावा उनको डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया जा रहा होता है, जैसे कि रेडिएक्टिव सब्सटेंसेस में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर वेपन इंडस्ट्री में,
इसके अलावा मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च में भी रेडियोएक्टिव मटेरियल को यूज़ किया जाता है। तो अब जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें कार्सिनोजेनेसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। तो जब इन रेडियोएक्टिव मटेरियल को हम डायरेक्टली वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं बगैर किसी ट्रीटमेंट के, तो ये वाटर को पोल्यूट करते हैं, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, वाटर में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। और जब हम इस पानी को पीते हैं तो हम में भी कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें कार्सिनोजेनेसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं। इसलिए इस पानी को पीने से हमें कैंसर हो सकता है, इसके अलावा हमें डिफरेंट डिजीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट। अब जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है उनमें बहुत से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोए, पैरासिटिक वर्म्स और दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट। तो जब हम इस वेस्ट वाटर को डायरेक्टली वाटर में डिस्पोज कर देते हैं तो ये वाटर में बहुत से डिजीजेस कॉज करते हैं और वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। और फिर जब ह्यूमन और एनिमल इस कंटेमिनेटेड वाटर को पीते हैं तो उनमें बहुत सी डिजीज हो जाती हैं। इन डिजीजेज़ में हमारे पास आ जाते हैं टाइफाइड, कोलरा, डिजेंट्री, पोलियो और इन्फेक्शियस हाइपेटाइटिस जो कि कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर का इनटेक करने से होती है। लास्ट पे हमारे पास है एक्सीडेंटल स्पिलेज ऑफ केमिकल्स। अब हमें पता है कि बहुत से केमिकल्स और ऑयल शिप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है, तो ये केमिकल जिस चीज़ में प्रेजेंट होते हैं उसकी लीकेज हो सकती है। इसके अलावा शिप का एक्सीडेंट हो सकता है जिससे जो ये केमिकल है ये वाटर में डिस्पोज हो जाता है। कुछ केमिकल्स वाटर की अपर सरफेस में रहते हैं और कुछ वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं जिससे जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है और वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। तो ये भी एक रीज़न है वाटर पोल्यूशन कॉज होने की। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है रिडक्शन इन लाइट पेनिट्रेशन। अब अगर वाटर बॉडीज़ में पोल्यूटेंट्स होंगे, कंटेमिनेंट्स होंगे, कलर होंगे, स्पेशली अगर ऑयल की स्पिलेज होगी तो उससे जो सन लाइट है वो वाटर की लोअर लेयर तक नहीं पहुँच सकेगी। ये पोल्यूटेंट सन लाइट को ब्लॉक कर देती है। तो वाटर बॉडीज़ में हमें पता है कि डिफरेंट एक्वेटिक प्लांट और एल्जी वगैरह होते हैं जो सनलाइट के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो जब वाटर में कंटेमिनेंट्स की वजह से सनलाइट वाटर में पहुंच ही नहीं सकेगी तो उसकी वजह से एल्जी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेंगे, फूड और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा और उससे फिर एक्वेटिक प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब इसके बाद है रिडक्शन इन डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब जैसे हमने देखा है कि जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है जिससे एक्वेटिक प्लांट और एल्जी वगैरह फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, और जब एल्जी और एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो उससे फिर ऑक्सीजन भी नहीं प्रोड्यूस होगी, और जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी तो फिर ऑक्सीजन में रिडक्शन होगी। इससे फिर जितने भी सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि प्लांकटन, मोलस्क और फिशेज वगैरह, उनको इफेक्ट होगा और उनकी डेथ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स एंड पॉन्ड्स। यूट्रोफिकेशन में पता है कि जब वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट होती है, न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसे फिर यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब वाटर बॉडीज़ में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फेट और नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उससे फिर एलजी की अमाउंट भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स एलजी की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर जब एलजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो वाटर की अपर सर्फेस में एक लेयर बना देते हैं जिससे जो सनलाइट है वो ब्लॉक हो जाती है और सनलाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाती। एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होती, इससे फिर जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, इससे फिर एक्वेटिक प्लांट की डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है हार्मफुल डिजीजेज। अब जो वेस्ट वाटर होते हैं उनमें डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक प्रोटोजोए, वर्म्स वगैरह। तो जब हम इस पानी को बगैर ट्रीटमेंट के डायरेक्टली इसको पिएंगे तो इससे हमें बहुत सी डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकती है जैसे कि कोलरा, टाइफाइड, एमोबियसिस, हाइपेटाइटिस, टुंडाइस और पोलियो वगैरह। तो इस तरह से पोल्यूटेड वाटर से ह्यूमन और एनिमल्स में बहुत सी डिजीजेस हो सकती हैं। फिर इसके बाद है मेटेलिक कंटेमिनेंट डिस्ट्रॉय यूजफुल बैक्टीरिया। अब रिवर में बहुत से ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं। ये नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे होते हैं और वाटर को प्योरीफाई कर रहे होते हैं। तो जब वेस्ट वाटर के थ्रू मेटेलिक कंटेमिनेंट्स वाटर में, रिवर में एंटर होते हैं तो वो यूजफुल बैक्टीरिया को, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं जिससे जो वाटर नेचुरली प्योरीफाई हो रहा होता है वो नहीं हो पाता।
और इससे फिर वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि पहले बैक्टीरिया नेचुरली ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज कर रहे होते हैं, वाटर को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब वेस्ट वाटर के थ्रू मेटेलिक कंटेमिनेंट्स वाटर में एंटर होते हैं तो वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं, और जो नेचुरली वाटर को प्योरीफाई करने की क्वालिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा सिंथेटिक डिटर्जेंट की वजह से एक्वाटिक फ्लोरा और फौना डिस्ट्रॉय होते हैं। जो हम डेली बेसिस पर डिटर्जेंट यूज़ कर रहे होते हैं वॉशिंग पर्पसेस के लिए, इनको जब हम डायरेक्टली वाटर बॉडी में रिलीज़ करते हैं तो इनमें जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसकी वजह से एक्वाटिक फ्लोरा और फौना डिस्ट्रॉय होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद लास्ट इफेक्ट में हमारे पास है कि अगर वाटर में रेडियोएक्टिव मटेरियल के ट्रेसेस प्रेजेंट होंगे तो उसकी वजह से हमें कैंसर हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं उनमें कार्सिनोजेनेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो कि कैंसर कॉजिंग एजेंट है। तो अगर हम इस पानी को डायरेक्टली बिना ट्रीट करे पिएंगे तो इससे हमें कैंसर हो सकता है, आई कैटरेक्ट हो सकता है, और हमारी बॉडी में डीएनए की ब्रेकेज भी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब इसमें हम देखते हैं कि हम किस तरह से वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब जितना भी वेस्ट वाटर होता है, चाहे वो डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, इसके हमें प्रॉपरली ट्रीटमेंट करनी चाहिए। इसको प्रॉपरली फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हमें ट्रीट करना चाहिए, ताकि इसमें जितने भी हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, कंटेमिनेंट्स या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हमें इसको वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज करना चाहिए। इसमें सीवेज वेस्ट वाटर को हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जितना भी वेस्ट वाटर होता है उसे हमें प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद ही वाटर बॉडी में रिलीज़ करना चाहिए। इसी तरह हम वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें किसी भी किस्म के सॉलिड वेस्ट को वाटर सोर्सेज में फेंकने से अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम सी वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हम जो भी प्लास्टिक, कैन या फिर पेपर वगैरह यूज़ करते हैं उसे हमें प्रॉपरली डस्टबिन में डिस्पोज करना चाहिए, ना कि हम वहाँ पे पानी में फेंक दें। इसके अलावा वॉशरूम वगैरह में भी हमें टिशू पेपर फेंकने से अवॉइड करना चाहिए। फिर इसके बाद है रिसाइकिलिंग एंड रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। इसमें भी वही है कि वेस्ट वाटर को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले हमें उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसकी प्रॉपरली रिसाइकिलिंग करनी चाहिए, ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है कि जब इंडस्ट्री से वाटर रिलीज़ किया जाता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 60-70 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो जब इस वाटर को डायरेक्टली वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है तो इससे जो वाटर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस तरह से डायरेक्टली हीट वाटर में ट्रांसफ़र होती है, और इससे फिर वाटर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वाटर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी इफेक्ट होता है। तो वाटर में थर्मल पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कूलिंग टावर और कूलिंग पॉन्ड्स वगैरह। इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम वाटर के टेम्परेचर को रिड्यूज़ कर सकते हैं। इसमें कूलिंग पॉन्ड में क्या होता है, ये आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं, इसमें पानी को थोड़े दिनों के लिए रख दिया जाता है। जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो उसे फिर वाटर बॉडी में रिलीज़ कर दिया जाता है। इसी तरह कूलिंग टावर्स में भी होता है। इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के यूज़ को रिड्यूस करना चाहिए। हमें जितना हो सके इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में केमिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो जब ये रन ऑफ के थ्रू वाटर बॉडी में रिलीज़ होते हैं तो इससे वाटर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी इफेक्ट होता है, और वाटर की क्वालिटी भी डिग्रेड होती है। फिर इसके बाद है लेजिस्लेटिव कंट्रोल शुड बी मोर प्यूनिटिव। प्यूनिटिव मतलब के पनिशमेंट। इसमें गवर्नमेंट लॉ की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाया वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी बात हो रही है, कि अगर कोई उस लॉ को तोड़ते हैं, मतलब कि अगर वो वाटर को पोल्यूट करते हैं किसी भी तरह से, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ा देनी चाहिए। इसमें जो फाइन है या पनिशमेंट है उसको बढ़ा देना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि जो वाटर पोल्यूशन है वो कम से कम होगा, क्योंकि लोगों में डर होगा कि अगर हम वाटर को पोल्यूट करेंगे तो हमें पनिशमेंट हो सकती है या हमें फ़ाइन हो सकता है। तो इस तरह से भी हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन शुड बी क्रिएटेड। हमें अपनी पब्लिक को अवेयर करना चाहिए कि किस तरह से वाटर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को और हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। इससे क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि वाटर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट के लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल है। इससे फिर वो खुद से भी कोशिश करेंगे कि वो वाटर को कम से कम पोल्यूट करें। इसलिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। इसमें हमने देखा है कि अगर वाटर की प्रॉपर्टीज़ में, वाटर की फिज़िकल, केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में कोई अनडिज़ायरेबल चेंज आ जाए,
मतलब कि ऐसा चेंज आ जाए जिससे वाटर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाए और पानी पीने के काबिल ना रहे, तो उसे फिर हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद हमने ओरिजिन की बेस पे वाटर पोल्यूशन के दो सोर्सेज देखे, पॉइंट सोर्सेज और नॉन पॉइंट सोर्सेज। पॉइंट सोर्सेज इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं क्योंकि इसमें जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज होते हैं वो किसी सिंगल पॉइंट से होते हैं, मतलब किसी स्पेसिफिक साइड से होते हैं, इसलिए इसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन पॉइंट सोर्सेज होते हैं वो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होते क्योंकि इसमें एफ्लुएंट लार्ज एरिया से डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक साइड से नहीं होते, इसलिए हम इसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन की कॉजेज़ देखी, जिसमें हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर वेस्ट के बारे में पढ़ा कि एग्रीकल्चर वेस्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ऑयल स्पिलेज या केमिकल स्पिलेज। फिर इसके बाद हमने वाटर पोल्यूशन के कुछ इफ़ेक्ट्स देखे और लास्ट पे फिर हमने देखा कि हम वाटर पोल्यूशन को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।